नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नीतीश कुमार की नई टीम तैयार हो चुकी है। जी हां, आज राजभवन में राजेंद्र मंडप पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जहां पर सबसे पहले नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ग्रहण की और उसके बाद एक एक करके तमाम मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। और हम आपको इस वीडियो में दिखाने जाने वाले हैं मुकेश सहनी की तस्वीर और इसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी उर्फ संतोष सुमन के। सबसे पहले आप देखिए मुकेश सहनी ने किस तरीके से शपथ ग्रहण किया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को पहले से ही ये बता दिया गया था और आज शपथ ग्रहण समारोह में वो मौजूद थे। फिर उसके बाद उनका नाम बुलाया गया, वो फिर स्टेज पर पहुंचे और राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें मंत्री की शपथ ग्रहण कराई। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। मैं मुकेश सहनी शपथ लेता हूँ कि मैं निजी द्वारा स्थापित महिलाओं के प्रति श्रद्धा और विश्वास मैं भारत की मुकेश सहनी के ठीक बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी उर्फ संतोष सुमन ने भी शपथ ग्रहण किया है। वो भी अब मंत्री परिषद का हिस्सा हैं, नीतीश कुमार की टीम का हिस्सा हैं। आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से उन्हें भी शपथ ग्रहण कराया गया है। आज से वो नीतीश कुमार के टीम में शामिल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार के अलावा कई सारे और भी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। ये पहली कैबिनेट जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी की ओर से भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। एनडीए के तमाम बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और अब बिहार में नीतीश कुमार की टीम बनकर तैयार हो चुकी है, जो कुछ ही दिनों बाद यानी कि कल से ही एक्शन मोड में भी नजर आएगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़ रही है लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।